गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पॉलिटिकल साइंस लेक्चर एंड दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ योर बाई पार्टी सिस्टम टॉपिक. सो लेट अस स्टार्ट. इन फर्स्ट टॉपिक वी डिस्कस्ड अबाउट एमरजेंसी विच वॉज इम्पोज बाई इंदिरा गांधी एट दैट टाइम इन 1975. एंड नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जनता पार्टी रोल. यस, जनता पार्टी के जो फाउंडर थे वो जयप्रकाश नारायण थे और इसको जनता पार्टी को 23 जनवरी 1977 को जो है वो फाउंड किया गया. जो इसकी आइडियोलॉजी थी वो गांधी सोशलिज्म थी, सोशल जस्टिस था, एंटी करप्शन था, नेपोटिज्म के खिलाफ जो है ऑपोजिशन दिखानी थी. तो जो इसके कलर से ऑरेंज और ग्रीन कलर का इनका लोगो था, ये आप इसका लोगो देख सकते हो. तो जनता पार्टी जो है तो इसको जो अगर ट्रांसलेट किया जाए तो पीपल्स पार्टी, लोगों के द्वारा, लोगों की पार्टी, लोगों की जो है पॉलिटिकल पार्टी है. तो इसको ट्रांसलेट करके किया जा सकता है. तो ये इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जो है जनता पार्टी, तो ये ऑपोजिशन के साथ सामने आई कि एमरजेंसी जो उस वक्त 1975 को इंदिरा गांधी ने लगाई थी इंडिया में, तो उसके खिलाफ जो है वो खड़ी हुई कि नेपोटिज्म के साथ जो है, परिवारवाद के साथ जो है, ये इंडिया के ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए जो एक एंडेंजर बने हुए हैं, जिस कारण ये पार्टी अलाइंस बन के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ के जो है वो सामने आई. तो 1977 को जनरल इलेक्शंस हुए तो उसमें कांग्रेस की हार हुई और जनता लीडर जो थे मोरारजी देसाई वो फर्स्ट नॉन कांग्रेस जो प्राइम मिनिस्टर बने इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इतिहास में. जो है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस लगातार जो है वो नेपोटिज्म चल रहा था, परिवारवाद चल रहा था, नेहरू की फैमिली से लगातार जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे. तो इस तरह डेमोक्रेसी को जो एक तरह से खतरे में देखते हुए बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अलाइंस बन के गठजोड़ करके सामने आई और उसमें जनता पार्टी का जो एक मेन रोल रहा और एक नॉन कांग्रेस जो प्राइम मिनिस्टर बने वो थे मोरारजी देसाई. ऑपोजिशन लीडर्स बहुत सारे थे जिसमें जयप्रकाश नारायण, जीवत राम कृपलानी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, एल के अडवाणी, राज नारायण, बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो थे जो उस वक्त एमरजेंसी के दौरान उनको जेल में डाल दिया गया था. तो इस तरह एमरजेंसी उस वक्त लगाई गई 1975 को. तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में मिल के अलाइंस बन के ज्वाइन टू फॉर्म द जनता पार्टी. उन्होंने जनता पार्टी बनाई और विच वन द स्वीपिंग मेजॉरिटी इन द इंडियन पार्लियामेंट. उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह हराया और बड़ी अच्छे से मेजॉरिटी हासिल करके सरकार बनाई. नेक्स्ट वन है क्रिएशन के कॉलिंग इलेक्शंस ऑन द 18 जनवरी 1977. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे, बहुत सारे कैदी थे और उनको जेल से रिहा कर दिया गया और जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, पाबंदियां लगाई गई थी, सेंसरशिप लगाई गई थी प्रेस के ऊपर बाय इंदिरा गांधी, उसको हटा दिया गया. तो नेक्स्ट वन है बहुत सारे जैसे जयप्रकाश नारायण है, तो उन्होंने बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ को जो है, कौन सी ऑपोजिशन पार्टी जो के इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, उनको एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने के लिए, आपस में अलाइंस बनाने के लिए, गठजोड़ की सरकार बनाने के लिए, ताकि वो कांग्रेस के खिलाफ जो है वो एक मेजॉरिटी हासिल करके नेपोटिज्म को जो है वो उसके खिलाफ खड़े हो सकें. तो उन्होंने बोला, जिस कारण उनका मेन जो जनता मैनिफेस्टो था, जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, तो वो रिलीज़ हुआ 10 फेब को, जिसमें बहुत सारे जो है चीज़ें लिखी गई कि चॉइस बिटवीन द फ्रीडम और स्लेवरी, कि हमें आज़ादी और गुलामी में जो है वो चॉइस चाहिए, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में हमें पता होना चाहिए, लोगों का रूल या हमें गांधीयन पाथ के ऊपर चलना है तो या लोगों के द्वारा बनाए गए डिक्टेटरशिप के ज़रिए चलना है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए. तो इस तरह ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी. नेक्स्ट वन है 1977 के जो इलेक्शंस हुए. नेक्स्ट वन 1977 के इलेक्शंस हुए. तो ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन बहुत सारे जो लीडर्स थे कांग्रेस आर के, इंदिरा गांधी के पार्टी के, वो लगातार पूरी कंट्री में जो है उन्होंने ट्रैवल किया, कैंपेन किया, ताकि वो अपने सपोर्टर्स से जो है वो हासिल कर सकें, मेजॉरिटी हासिल कर सके, ताकि उनकी जीत हो सके इलेक्शंस में. तो इंदिरा गांधी और उसके जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उस वक्त, उन्होंने कैंपेन्स में लोगों को जताया कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है पूरी कंट्री में और इस
तरह उन्होंने सारा रिकॉर्ड जो है वो लोगों के सामने रखा। मोस्टली जो उस वक्त है जो पॉलिटिशियंस करते हैं तो वैसी सारी चीज़ें की। लेकिन इसके अलावा जो है इसके अलावा शी ऑफर्ड अपोलोजाइज, उसने अपोलोजी भी की किसके लिए, अब्यूज़ कमिटेड ड्यूरिंग द एमरजेंसी, के एमरजेंसी के दौरान जो है जितनी भी चीज़ें उनसे गलतियाँ हुई उसको भी है लोगों से जो है अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। तो अपनी स्पीच में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली। नेक्स्ट वन है उनके जो अपोजिशन में जो जनता अलायंस बनी थी, जनता लीडर्स थे, तो उन्होंने मोस्टली जो असेल किया, जो अटैक किया वो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई, उस वक्त इम्पोज की गई एमरजेंसी थी जो उन्होंने इम्पोज की थी 1975 में, 25 जून 1975 इन इंडिया। तो उसमें बताया गया कि कैसे इंडिया की फ्रीडम और डेमोक्रेसी जो है वो इस वक्त खतरे में है, जिस कारण जो जनता पार्टी के बहुत सारे जो लीडर्स थे, मेन जयप्रकाश नारायण हो गए, जीवत राम हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, तो वो पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो सामने आए और उन्होंने कैंपेन्स में लोगों को जो ये चीज़ें जो है वो अवेयर किया। तो लोगों ने जो है इस चीज़ में काफ़ी हद तक, तो लोगों में इस चीज़ को लेके काफ़ी अवेयरनेस आ गई कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो नेपोटिज्म की तरफ जा रही है। तो इस तरह 23 मार्च 1977 को जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ उसमें जनता पार्टी ने जो है एक स्वीपिंग विक्ट्री हासिल की, बड़ी अच्छी मेजॉरिटी के साथ उन्होंने जीत हासिल की। और इसके जो अपोजिशन में जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बुरी तरह इसमें हार जो उनको मिली, और मोस्टली जो नॉर्थ पार्ट में स्पेशली ने यूपी में उनको जो है वो बड़ी बुरी तरह से हार मिली और उनको सीट्स अच्छी नहीं मिली। नेक्स्ट वन ऑन द मॉर्निंग 24 मार्च जयप्रकाश नारायण और जीवत राम जो कृपलानी थे, तो वो न्यू इलेक्टेड जो जनता एमपी से राजघाट में जहाँ पे महात्मा गांधी के जो एशेस थे वहाँ थी, वहाँ पे उन्होंने प्लेज लिया और गांधी के रास्ते के ऊपर चलने के लिए जो है और अपने नेशन को जो है उसकी सेवा करने के लिए जो है वो प्लेज लिया। तो नेक्स्ट वन जनता पार्टी के सामने एक सीरियस चैलेंज था कि अब जो अलायंस गठजोड़ की सरकार बनी है उसमें जो पार्टी का जो एक न्यू प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो कौन बनेगा। तो इसमें बहुत सारे जो राइवल्स थे, तो मोस्टली क्योंकि पार्टी में बहुत सारे जो है लीडर्स थे अलग अलग, तो वो अलायंस को लेके इस चीज में काफी हद तक जो है वो उस वक्त राइवल्स हो गए। नेक्स्ट वन जनता पार्टी के जो चेयरमैन थे मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम जो थे, तो उनके पास जो है वो काफ़ी मेजॉरिटी थी, काफ़ी सपोर्ट थी। तो इस तरह जनता लीडर्स जो थे जयप्रकाश नारायण और जो जगजीवन राम थे उन्होंने सेलेक्ट किया कि पार्टी लीडर जो है वो कौन बनने चाहिए। इस तरह नारायण और जो कृपलानी थे उन्होंने सेलेक्ट किया मोरारजी देसाई जो है वो अब जो है 24 मई से जो है वो चेयरमैन जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो इस तरह न्यू जो प्राइम मिनिस्टर बने वो बने थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट वन जो है कि टेकिंग ऑफिस एज अ प्राइम मिनिस्टर, देसाई जो है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो है वो एज अ टुक चार्ज लिया एंड ही सॉट टू केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट पोस्ट टू सेटिस्फाई द जनता डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके अलावा जो जनता अलायंस के और भी बहुत सारे मेम्बर्स थे, तो मोरारजी देसाई ने उनमें जो अलग अलग पोस्ट थी ताकि सारे मेम्बर्स जो हैं, सारे अलायंस मेम्बर जो हैं, जितने भी गठजोड़ की सरकार बनाने के लिए जो वो आपस में इकट्ठे हुए थे उनको अलग अलग पोस्ट के ऊपर उन्होंने जो है उनको पोस्ट दी, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन की ताकि हर कोई जो है हर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो जनता पार्टी के साथ मिला था वो सेटिस्फाई हो सके। इसके अलावा जो है नेक्स्ट वन जो इसके अलावा चरण सिंह और जगजीवन राम थे उन्होंने भी जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के जो पोस्ट है संभाली, और चरण सिंह थे वो होम अफेयर्स जो के मिनिस्टर बने, और सेकेंड इंपॉर्टेंट जो पोजिशन थी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की थी, जगजीवन राम ने इसकी जो है टुक चार्ज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट वन अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो साथ में आरएसएस के साथ जो है वो जुड़े हुए थे, राज नारायण जो थे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो है वो मेंबर चुने गए। इस तरह जो नेक्स्ट वन है कि रिजल्ट ऑफ दिस इट्स इलेक्शन डिफीट, तो उन्होंने बोला है कि जो रिजल्ट हुआ 1977 के जो है इलेक्शंस हुए उस वक्त
1977 के जो उस वक्त इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस की बहुत बुरी तरह से जो है वो हार हुई, और मोस्टली जो कांग्रेस हार के साथ जो मेंबर जुड़े हुए थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी जो सपोर्ट थी इंदिरा गांधी से ख़त्म कर दी। नेक्स्ट वन है जनता रूल। जनता पार्टी का जो रूल था, फर्स्ट एक्शन जो था मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट का, तो वो था कि स्टेट में जो इमरजेंसी लगाई गई थी और मीडिया के ऊपर जो सेंसरशिप लगाई गई थी उसको पूरी तरह से हटाना था। नेक्स्ट वन था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, उसमें चेंज लाई गई। अमेंड ये हुआ कि टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर एनी फ्यूचर गवर्नमेंट टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी, कि अमेंडमेंट ऐसे लगाई गई, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की गई कि नेक्स्ट वन कोई भी सरकार जो है वो इतनी इजीली एमरजेंसी देश में ना लगा सके, जिसमें फंडामेंटल जो फ्रीडम्स हैं और इंडिपेंडेंस की जो जुडिशरी है उसको भी रीअफर्म किया गया। इस तरह इसके अलावा इंदिरा गांधी और संजय गांधी जो था जिसके जिनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगे हुए थे करप्शन, उनको अरेस्ट किया गया। नेक्स्ट वन है फॉल ऑफ गवर्नमेंट। जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी वो जैसे इतनी स्ट्रांग जो है उनकी स्टार्टिंग हुई थी, वो धीरे धीरे कैसे जो अपने जो है डाउन की तरफ जो है वो कैसे स्टार्ट हो गई। उन्होंने बोला है कि जो जनता पार्टी थी इतने जो स्ट्रांग रूल के साथ जो वो स्टार्ट हुई थी, जिसमें बहुत सारा गढ़चोड़ की सरकार थी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई थी, तो धीरे धीरे क्योंकि जितने भी अलायंस जितने भी मेंबर्स थे उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो था, तो इस तरह बहुत सारे जो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियंस थे, लीडरशिप थे, बहुत सारे बिजनेसमैन थे, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहते थे, बहुत सारे जो सोशलिस्ट और सेकुलर जनता पॉलिटिशियंस हैं तो वो आरएसएस के साथ जो है वो जुड़े हुए थे, जिसमें मोस्टली थे अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी, तो ये भारतीय जनसंघ के भी मेंबर थे। तो इस तरह वायलेंस जो था धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम्स में काफ़ी जो है वो बढ़ता गया, और इनके सामने एक डिमांड रखेगी कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी को जो है या तो गवर्नमेंट में रहना पड़ेगा और या आरएसएस के जो है वो मेंबर बनना पड़ेगा। बोथ वाजपेयी और अडवाणी जो थे उन्होंने जो है वो बीजेपी जो ऑप्ट किया कि आरएसएस के वो मेंबर बने रहेंगे, और उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया, अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वो राष्ट्र स्वयंसेवक जो संघ है उसके साथ जुड़े हुए थे और वो उसको जो है वो छोड़ना नहीं चाहते थे, जिस कारण वो आरएसएस के मेंबर बने रहे और उन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। इस तरह जो मेन उनकी पॉपुलैरिटी थी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी की, तो यहाँ से उनको रिज़ाइन देने के बाद ही जनता पार्टी का जो डिक्लाइन पीरियड था वो स्टार्ट हो गया। तो इस तरह धीरे धीरे जो नेक्स्ट वन था कि गवर्नमेंट फेल हो गई, उस वक्त मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट फेल हो गई टू प्रूव मोस्ट ऑफ द एलिगेशंस एंड ऑब्टेन एज द फ्यू कन्विक्शंस, के जो एलिगेशंस लगे गए थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए और नेक्स्ट एमरजेंसी के दौरान काफ़ी जो है वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जो काफ़ी नेक्स्ट वन प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी, तो उसको वो प्रूव नहीं कर सके, जिस कारण जो लोगों की सिंपैथी थी तो वो लोगों की सिंपैथी जो इंदिरा गांधी के लिए जो ख़त्म हो गई थी वो दोबारा से जागने लगी। तो नेक्स्ट वन है कि 1979 में मोरारजी देसाई जो था, तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो देश की बन चुकी थी, और नेक्स्ट वन जो एमर्जेंस ऑफ द एलिगेशंस जो थी नेपोटिज्म और करप्शन की, कि जो कि उनके फैमिली मेम्बर के खिलाफ लगी थी, वो उसको प्रूव नहीं कर सके। इस तरह मोरारजी देसाई की जो है लोगों की जो सपोर्ट थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आई। नेक्स्ट वन था कि 19 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने अपनी गवर्नमेंट से जो है वो रिज़ाइन कर दिया, और जयप्रकाश नारायण की जो हेल्थ थी वो काफ़ी उस वक्त जो है वो नाजुक बन चुकी थी, और जिस कारण वो किसी भी तरह से जो है उनका इतना इन्फ्लुएंस जो था वो पॉलिटिशियन एज अ पॉलिटिशियन वो नहीं रहा। और आफ्टर हिज डेथ 1979 जो पार्टी थी एक पॉपुलर लीडर जो था वहाँ से ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वन जो था कि मोरारजी देसाई की जगह जो चरण सिंह थे तो उनको जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो घोषित किया गया। अब जो चरण सिंह थे वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए मोरारजी की जगह, और जो इस तरह उनको बोला गया कि अपनी जो मेजॉरिटी है अपनी गवर्नमेंट में जो न्यू गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है तो उसमें उन्होंने अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना है। नेक्स्ट वन यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर के, यहाँ पे इंदिरा गांधी के लैप में जो है वो चरण सिंह जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त उनको मेजॉरिटी करने के लिए अपनी प्रूव करने के लिए जो है न्यू फ्रेश इलेक्शंस करवाने के लिए बोला गया था, तो वो भी एक तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि वो किसके ऊपर डिपेंड ऑन हो गए थे, डैट मीन्स इंदिरा गांधी, तो वो भी एक नेगोशिएशन में पड़ गए थे
क्योंकि आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, जयप्रकाश नारायण, इन सबके जो हैं वो पार्टी से साथ जो है अपने रिलेशंस जो है वो ख़त्म करने के बाद जो है, और जयप्रकाश नारायण की डेथ के बाद जो है, ये पार्टी के लिए काफ़ी जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स थे, अगर उनका जो है एक रिलेशन उनके साथ जो है वो पार्टी के साथ जो लिंक था वो ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट जनता पार्टी में जो मेन लीडर्स थे उनका कोई रोल नहीं रहा। जिसकरण चरण सिंह के पास जो है वो नेगोशिएशन करने लगे कांग्रेस आई के साथ, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद आफ्टर ओनली 3 वीक्स इन ऑफिस, के 3 हफ्तों के बाद ही जो चरण सिंह थे उन्होंने अपनी जो है लीडरशिप से रिज़ाइन कर दिया। और बाकी कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी कि जो इतनी टू विद नो अदर पॉलिटिकल पार्टी इन पोजिशन टू अस्टैब्लिश अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। बाकी कोई भी जो इतनी पॉलिटिकल पार्टी, इतनी स्ट्रांग पार्टी नहीं थी कि वो कांग्रेस के खिलाफ जो है मेजॉरिटी के साथ जो है वो अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार बना पाती। इसके बाद जो प्रेसिडेंट रेड्डी थे तो उन्होंने जो उस वक्त पार्लियामेंट था उसको डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया, और 1980 में जो है फ्रेश इलेक्शंस करवाने के लिए जो है वो घोषित कर दिया। नेक्स्ट वन है कि 1980 में जो इलेक्शंस हुए तो उसमें जनता पार्टी लीडर्स जो है वो अनसक्सेसफुल रहे बिकॉज ऑफ द रीज़न, बिकॉज ऑफ द रीज़न क्योंकि उस वक्त कोई भी पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस थे उस वक्त उनके पास नहीं रहे थे। तो जिस कारण मुरारजी देसाई जो थे वो भी इलेक्शंस में खड़ा होना नहीं चाहते थे, और इसके अलावा वो प्रेफर कर रहे थे फॉर हिज रिटायरमेंट। नेक्स्ट जन कांग्रेस आई जो थी वो उन्होंने एक न्यू स्लोगन के साथ जो अपना कैंपेन स्टार्ट किया कि इलेक्ट अ गवर्नमेंट डैट वर्क्स, कि ऐसी गवर्नमेंट चुनो, लोगों को बोला कि ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार चुनो जो असल में काम करे। तो ये उनका एक मेन एजेंडा था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने कैंपेन्स में बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज किया लोगों को अपनी गलतियों को लिए जो उन्होंने एमरजेंसी के दौरान देश में की, और संजय गांधी को भी जो है पार्लियामेंट से इलेक्ट किया गया। और 1980 से 1989 के बीच में जनता पार्टी कि एक बहुत स्मॉल प्रेजेंस रह गई थी इंडियन पार्लियामेंट में, और अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर। और 1988 में जो जनता दल जो था वो एमर्ज और चीफ ऑपोजिशन पार्टी के रूप में वो सामने आया। और इसके अलावा धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि जो जनता पार्टी के उसके बाद दोबारा से जो है कांग्रेस की सरकार बनी, और जनता पार्टी का जो रूल था वो काफ़ी जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। इसके बाद लेगेसी है कि चाहे जो 1977 से 1980 के बीच में उनका जो टेनर था, एक टाइम पीरियड था जनता अलायंस का, जनता पार्टी का, वो काफ़ी एक शॉर्ट पीरियड था, लेकिन और उनका जो एक टाइम पीरियड था टेनर इन ऑफिस वाज ट्यमल्टियस एंड अनसक्सेसफुल। चाहे वो उनका काफ़ी उदड़ खदड़ था और काफ़ी जो है अनसक्सेसफुल था, वो इतना जो है वो अच्छा नहीं रहा बिकॉज ऑफ द रीज़न जो अलायंस थे वो उनमें काफ़ी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था और काफ़ी राइवल था, लेकिन स्टिल जो था जो उस वक्त नेपोटिज्म चल रहा था, परिवारवाद चल रहा था, तो एक ही जो नेहरू परिवारवाद चल रहा था उसके खिलाफ जनता पार्टी ने जो है वो लोगों को अवेयर किया और सरकार बना के उस नेपोटिज्म को जो है वो ख़त्म किया। उसके बाद लोगों में धीरे धीरे जो अवेयरनेस आनी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट वन अटेम्प्टेड मर्जर विद बीजेपी। तो ऑन 11 अगस्त 2013 में जो चेयरमैन जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, तो उन्होंने जो है जनता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है उनके जो है वो मर्ज कर दी गई। और उसके बाद जो स्वामी और बीजेपी के जो राजनाथ सिंह जो हैं वो मिले दिल्ली में, और उसके बाद जो लेटर ऑन जो है वो किया गया कि पार्टी को जो है वो मर्ज कर दिया जाएगा बीजेपी पार्टी के साथ। तो नेक्स्ट वन है कि लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक सेपरेट पार्टी सिंबल के साथ जो है वो जनता पार्टी को इलेक्शंस में जो है वो डिक्लेयर किया गया कि उनका जो पार्टी स्लोगन हो, जो पार्टी उनका जो सिंबल होगा वो अलग से होगा। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट बीजेपी एंड द मर्जर ऑफ जनता पार्टी एंड द रोल ऑफ जनता पार्टी, एंड डेट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेंस्ट द नेपोटिज्म which was started by Nehru family. So maybe you all have understood. So this is all about bi-party system, second part. Maybe you all have understood. Thank you.